ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अवेयरनेस इन एक्शन के तत्वावधान में आयोजित आज की इस विशिष्ट गोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सूर्यनारायण जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी समेत विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और मित्रों, आज यहाँ कार्यक्रम में आते समय मुझे याद आ रही थी श्री राम साठे जी की, जिनसे मैं संघ कार्यालय में मिला करता था। उन्होंने मुझे हिस्टोरोग्राफ दिखाया था जिसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस, उनको उन्होंने वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर उस सिविलाइजेशन की प्राण शक्ति को रिवर बेड के रूप में डिपिक्ट किया था। जब उस सिविलाइजेशन की ताकत ज़्यादा तो रिवर बेड का विड्थ ज़्यादा, और सिविलाइजेशन का स्ट्रेंथ कम तो वो रिवर बेड श्रिंक कर रहा, ऐसा वो ग्राफ था 5000 वर्ष का और 12 सिविलाइजेशंस का, बेबीलोनियन, मया, इनका, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, भारतीय, चाइनीस। उसमें से कुछ निष्कर्ष थे, कंक्लूशंस। एक कि नो सिविलाइजेशन हैज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ for more than 5000 years, with exceptions being two, Bharat and China. Baki sabka lifespan is below 2400 years. Second, no civilization could survive more than 400 years of foreign invasion, barring भारत। चाइना ऑल्सो वॉज डेफिनेटली इन्वेडेड बट इट बिल्ट इट्स वॉल फॉर प्रोटेक्शन, नॉट बाई फेसिंग एंड फाइटिंग। ओनली भारत। थर्ड, दैट द कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशनल मेमोरी, उस सिविलाइजेशन की याददाश्त, वो कंटिन्यूड है भारत में। वही राम कृष्ण सब आज जितना भक्ति भाव से याद करते हैं लोग, 5000 साल पहले भी ऐसे ही याद करते थे। इसका मतलब सिविलाइजेशनल मेमोरी, डिस्क्रिशन, सेंस ऑफ गुड एंड बैड, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर, आइडियल्स ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ये सब पीपल्स मेमोरी में वो कॉन्स्टेंटली इच्ड है, वो याद है लोगों को। मिस्र की तरह नहीं कि फराउन के मिस्र से आज के इजिप्शियन का कोई मेंटल एफिनिटी रिलेशन नहीं है, सर्वाइव्स ओनली इन म्यूजियम। सोसाइटी के लाइफ से उसका कोई मतलब नहीं है, रोम का, सिविलाइजेशन का हो, चाहे बेबीलोनियन का हो। ये राम साठे जी ने हिस्टोरोग्राफ के बारे में बताया था, तो ये भारत की एक विशेषता का उल्लेख था।
वही हम आज भी लोकमानस, पीपल्स माइंड, पीपल्स मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी, उसमें हम आज भी जी रहे हैं. वी आर लिविंग दैट. क्योंकि संस्कृति कोई किताब नहीं होती कि किताब की रक्षा करनी, संस्कृति की रक्षा करनी है मतलब किताब की रक्षा करनी है. नो, संस्कृति जीवन होता है, जीने का तरीका होता है, जीने का उद्देश्य होता है. सो फिलॉसफी, फ्रॉम देयर कम्स आइडियोलॉजी, फ्रॉम देयर कम्स गोल ऑफ लाइफ, फ्रॉम देयर इट इज वैल्यूज ऑफ लाइफ, फ्रॉम देयर आइडियल्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम देयर लाइफ स्टाइल. टू अकॉम्प्लिश दैट लाइफ स्टाइल, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये किसी भी समाज के कोर्स ऑफ लाइफ का एक पैटर्न है. इसलिए हम जब इसका विचार करते हैं और आज हम देखते हैं तो लगता है कहीं विक्षिप्तता है, कहीं थिंग्स आर अ बिट टॉर्न, देयर इज इनॉर्मस टेंशन ऑन द फैब्रिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल. और तब हम राष्ट्र के बारे में देखें तो राष्ट्र होता है सरहद, समाज और संस्कृति, तीन मिलाकर. और जब इसको हम विचार करते हैं और तब संघ के परम पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी, उनका मैंने जब भाषण सुना तो पहला भाषण राष्ट्रीय, दूसरा स्वयंसेवक, तीसरा संघ. तो राष्ट्रीय के बारे में जब वो बोलते थे तो मुझे उस समय पूरा समझ में नहीं आता था, लगता था कि बहुत अच्छा बोले, ठीक ठीक क्या बोल रहे हैं अपने को उतना नहीं समझते थे. लेकिन लगता है कि हिमालय की शाखा प्रशाखाओं जहाँ तक गई हैं, वहाँ से लेकर समुद्र से घिरा हुआ और उसमें अवस्थित द्वीप समूहों के साथ जो भूभाग है वो भारत माता है. ये एक, उसमें पुत्र रूप से जी रहा जो समाज है वो हिंदू समाज है. और फिर इस बसने के कारण एक सांस्कृतिक स्मरण के साथ राष्ट्र जीवन को हिंदू राष्ट्र कहते हैं. दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से. और फिर हम देखेंगे तो दिस इज द एसेंस, क्विंटेंसेंस ऑफ भारतीय नेशनलिज्म. मैं भारतीय ही कहता हूं, मैं इंडियन नहीं कहता हूं. उसका कारण है, आप जरा ध्यान देंगे भैया, इंडिया शब्द नेशन के पार्लांस में 1852 ऑनवर्ड्स पॉपुलराइज किया गया है विद ए स्पेसिफिक डिजाइन दैट ओल्ड मेमोरी में फेड अवे, सो न्यू मेमोरी में गिव राइज टू अ साइकोलॉजी ऑफ अडॉप्टिंग द वर्चुअल फैक्ट विच इज नॉट ए फैक्ट. दे वॉन्टेड टू गेट इट रजिस्टर्ड इन द माइंड्स ऑफ वी भारतीय पीपल दैट इंडिया इज ए न्यू नेशन, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, इंडिया इज ए मल्टी नेशनल सब कॉन्टिनेंट, भारत एक राष्ट्र नहीं है. जो जो आए कारवा बनता गया. ये तो अंग्रेजों ने अपने आने के, रहने के, डोमिनेट करने के सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए ये सारी बातें गढ़ी हैं, विच इज नॉट ए फैक्ट. उन्होंने कहा ये तो हारे हुए लोग हैं, हमेशा हारते गए. देखो सिकंदर आया हार गए, और लोग आए हार गए, और उस तरह से हम लोग भी आए.
जो बाकी लोग रह सकते हैं हम क्यों नहीं रह सकते, और हमारा रहना जरूरी है। तो हारे क्यों? क्योंकि पिछड़े थे, मूर्ख थे, कमजोर थे, जाहिल थे, गवार थे। इसलिए हमारा आना इनके लिए वरदान होना चाहिए। हम उनको सभ्य आदमी बनाने आए हैं। इसी को कहा गया व्हाइट मैन्स बर्डन। ये उनके यहां रहने की लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए किया गया कंकॉक्टेड प्रचार था, और वो हमारे लोगों ने स्वैलो किया विद बेट एंड सिंकर। उन्होंने कह दिया सिकंदर ने पुरु को हरा दिया। क्यों? क्योंकि सिकंदर के पास घोड़ा था, पुरु के पास पोरस के पास हाथी था। पानी बरस गया, कीचड़ हो गया, हाथी मूव नहीं कर पाया, घोड़ा दौड़ गया, हार गया पोरस। बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। उसी तरह से उन्होंने कह दिया अरे कहां महमूद गजनवी आया, कौन सा मंदिर तोड़ा, गलत है सब। ये तो ऐसे ही बता दिया गया, सोमनाथ का मंदिर टूटा उठा कुछ नहीं, कोई और बगल का मंदिर तोड़ा था। अरे भाई, यदि ये सत्य था तो उस समय के ग्रीक हिस्टोरियंस भी तो वही लिखते हैं। उस समय महमूद गजनवी और उसी समय में आया हुआ अलबरूनी हिस्टोरियन भी तो वही लिखता। रोमिला था पर अंग्रेज का लिखा हुआ पढ़कर बोलती है कि सोमनाथ मंदिर का नहीं टूटा। अलबरूनी बोलता है टूटा और चार जगह सोमनाथ के लिंग के टुकड़े फेंके गए। ये अलबरूनी बोलता है। इतना बड़ा फैक्ट को निगेट करके कंकॉक्टेड वर्शन को एक्सेप्ट करना, ये बौद्धिक दिवालियापन और बेईमानी का प्रमाण है, डिसऑनेस्टी। उसी तरह से सिकंदर के समय में, अरे ग्रीक हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हाथियों के कारण परेशान हो गए और आगे बढ़ने से रिवोल्ट कर दिया सैनिकों ने, क्योंकि उनको खबर लगी कि बिहार मगध आदि की तरफ से हाथियों का पहाड़ ही पहाड़ अभी आ रहा है। अब इतना तो फेस नहीं कर पाए, आगे क्या बढ़े, डर भी गए तो स्प्लिट गए, दो ग्रुप्स में स्प्लिट हुए। और एक ग्रुप में जिसमें सिकंदर था उसमें एक स्त्री योद्धा ने बाण मारा, जहर बुझे तीर से सिकंदर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, अलेक्जेंड्रिया में उसकी कब्र बनी। हुआ तो यह था, कहां तक जीते थे, कौन जीते थे? इस्लाम के समय में 425 वर्ष हैं, 1180 से गिन लीजिएगा, 1707 तक औरंगजेब मरा है, मोहम्मद गोरी आया है, केवल 26 वर्ष ऐसा है टेन्योर जहां डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट वैरायटीज के इस्लामिक किंगडम्स के अंतर्गत नियरली 50% ऑफ इंडियन पीपल रहे हैं, वो भी हमेशा लड़ते रहे हैं। तो सत्य तो ये है कि हम हारे नहीं हैं, सत्य तो ये है कि नत्वे आर्यस्य दास भावः, आर्य कभी दास नहीं होते, हम दास नहीं हुए। अंग्रेज भी बड़ा नेपाल जीतने गए थे और लगा कि इट इज सो कॉस्टली अफेयर, और यहां से कुछ मिलेगा भी नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है, लौटे कैसे? तो इज्जत बचाकर सुलह संधि करके लौटे हैं सब। इसलिए हम जब गुरुजी की बात सुनते थे उसी में से कहते थे कि ये तो देखो मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, बाकी जगह तो किसी ने भगवान की आवाज़ सुनी, किसी ने भगवान की रोशनी देखी, यही भारत भूमि ऐसी है जिसमें देवताओं को भी मोक्ष पाने के लिए इसी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और गुरुजी कहते थे कि अभी के युग में भी थोड़े ही समय पहले साक्षात्कार किया हुआ और साक्षात्कार करने की क्षमता बताता हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन अभी अभी गया है, जिसने अपनी पीठ पर जो गाय चर रही थी चारे में, तो चारे के साथ एकात्म भाव करने के कारण आ आ चिल्लाने लगे रामकृष्ण। क्यों? क्योंकि पीठ पर निशान आया था गाय के हूफ का, खुर का।
तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये पुण्य भूमि है, दुनिया में ऐसी कहीं जमीन नहीं है। और वही आगे भी चलकर देखते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर आदि पराशक्ति साक्षात अन्नपूर्णा कहते थे, वो जगत जननी कहते थे वो। हमको उस समय लगता था कि ये शब्द विन्यास है क्या, एक एक शब्द सत्य है। और उसमें हमको तब समझ में आया कि वास्तव में यहाँ आदि पराशक्ति अन्नपूर्णा का वरदान है, यहाँ सूर्य भगवान की कृपा है, यहाँ यहाँ का भूगोल इसी प्रकार बनाया गया है। यहाँ पर ही जो गंगा जी रहेंगी, गंगा ज्ञान की नदी है, यमुना प्रेम की नदी है, नर्मदा वैराग्य की नदी है। ऐसे ही महाभारत की लड़ाई हस्तिनापुर पर हमला कर देते तो भी हो जाता। कृष्ण ने योजना की कुरुक्षेत्र की, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो यमुना के पास है, यमुना यम की बहन है, युद्ध होना है, शुद्धिकरण होना है, इसलिए कुरुक्षेत्र में होगा। हस्तिनापुर को छोड़ेंगे क्योंकि गंगा जी है पास में। मित्रों ये एक अनुपम चीज है, इसमें देवी भगवती का त्रिकोण है, घर की माता, गौ माता और धरती माता, तीनों एक दूसरे का पोषण करती है और तीनों एक ही चित शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसलिए इस भूमि की एक अनुपम विशेषता है कि सूर्य की चौथी किरण आकर विश्व गुरुत्व का काम इसी को करना है। इसीलिए कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये उद्देश्य है। इस रूप में अगर हम चीजों को देखें तो हमको कैसा कुछ फुसला कर, गलत बताकर हमारी आइडेंटिटी लॉस की कोशिश की, तो वही हुआ जो होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अंग्रेजों ने यही बुद्धिनाश की कोशिश की। जैसा वो कहानी हम जानते हैं ना कि वो ब्राह्मण एक गाय की बच्चिया को कंधे पर लेके जा रहा था तो एक ठग मिला और कहा, अरे बाबा जी कहाँ तुम ले जा रहे हो कुत्ते को, है कुत्ता नहीं है बच्चिया है। हाँ ठीक है आपकी इच्छा, बच्चिया मानकर कुत्ते को ढोइए, हमको क्या करना है। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे कोने पर मिला एक, अरे बाबा जी वाह आप तो आश्चर्य कर रहे हैं, आज आप कुत्ता लेकर कैसे जा रहे हैं, क्या बात है। अरे भाई कुत्ता नहीं है तो बच्चिया है। अरे महाराज क्या आप हम आंख वाले को भी बेवकूफ अंधा मान रहे हो क्या, और लोगों से पूछ लेना। अब उसको थोड़ा संदेह हो गया, हाँ वास्तव में हम बच्चिया को नहीं, कहीं गलती से हमको कुत्ता तो नहीं दे दिया है। अब उसने उतार दिया बच्चिया को संकोच के कारण, ऐसे पकड़ कर ले चला। थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी आया, अरे वाह आज कहाँ वॉकिंग के लिए चल दिए महाराज कुत्ते को लेकर, कभी तक आपको ऐसा देखा नहीं हमने। अब लगा सच में यार कुछ गड़बड़ है और उसको छोड़कर चला गया और ठग लोगों ने बच्चिया लेकर घर चले गए। इसी तरह से कोशिश की गई और यह सब जो किया धरा है इसी तरह से। फिर यह जो समाज इसकी एक रसता की बात अभी कही थी तो कुमार ने भी कहा, सुधाकर ने भी कहा, यह एक रस समाज को धीरे धीरे इंजेक्ट किया है जहर। और यह सब कब से, 1840 सेंसस। तो पहले कास्ट सेंसस नहीं, कम्युनिटी सेंसस नहीं था, अब शुरू किया। और पहले SC को अलग किया, फिर ST को, फिर मुस्लिम्स को, ये सब अलग हैं, उसके बाद सिख को। और इन सब के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने क्रिएट किए। और 1700 में क्लाइव ने कहा कि भारत में कारीगरी, किसानी और गाय
तीनों सिंथेसाइज्ड है, यही ताकत है भारत की, इसको तोड़ो। तो कारीगरी को खेती से अलग किया तो वहां का माल आ सके, और खेती पर बर्डन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया, और फिर खेती को गाय से काटा क्योंकि गाय को उनको खाना था। इसके कारण फिर यहां पर वो व्यतिक्रम होने लगा। तो 200 साल पहले जो भारत सबसे धनी देश था, उसकी अब आर्थिक अवनति और विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी सारा आयात निर्यात। तब 1850 ऑनवर्ड्स रेलवे लाइन बिछाई, हमको समझाया आपकी प्रगति के लिए है। अरे यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल ओर्स को रेलवे लाइन खदान से लेकर बंदरगाह तक ले जाने के लिए उन्होंने लाइन बिछाया, हमारे लिए नहीं, हमें लूटने के लिए, जैसे दुनिया में बाकी जगह लूटा था। यहाँ उनको भारतीयों को एक्सटर्मिनेट करने में दिक्कत थी। ए, सुपीरियर सिविलाइजेशन, बी, उनके नियंत्रण में यहाँ की पॉपुलेशन नहीं आ सकती थी, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। इसलिए उन्होंने तय किया कि यहीं पर भारतीयों में से ही जो एलिट सेक्शंस हैं उनको माइंड वॉश करना और उनके माध्यम से अपना हित साधना। ये सारा पैटर्न है जो आप पढ़ेंगे। तो मेरा एक निवेदन था कि इस विषय में एक किताब बनवारी जी ने लिखी, भारतीय इतिहास दृष्टि, और दूसरी किताब देवेंद्र स्वरूप जी ने भारतीय संविधान की औपनिवेशिक पृष्ठभूमि। उसी कॉलोनियल माइंडसेट को लेजिटिमाइज करना, एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना और भारत में एस्टैब्लिश करना और अब चलाते चलना। तो इन सब को, कॉलोनियल डिजाइन्स को इंटरनलाइज करने की बात होती आई है। ये मुझे एक बात आपसे कहनी थी कि हम क्या थे और क्या अंत में हुए हैं। इसी को कहते हैं आत्मविस्मृति। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा की बात तो बाद में आएगी, अभी तो यही हुआ कि संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, असम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो जो स्मृति भ्रंश है ना, इसको ही गौर से देखने समझने की जरूरत है। ये बुद्धि भ्रंश ही एक तरह से विक्षिप्तता बनता है। इसको हमारे हिंदी में कई बार बोलते हैं स्क्रू ढीला है, यहां भी कुछ बोलते होंगे, पिच्ची वालों कहते होंगे, कुछ और कहते होंगे। तो कितने एक्सटेंट तक है वो तो अलग बात है, क्योंकि लुनेसी की स्थिति होती है तो वायलेंट होता है कुछ और मेलंकली होता है कुछ। उसके पहले कहा जाता है डिसऑर्डर्स। वो डिसऑर्डर्स में हमारा कौन पराया कौन पता नहीं चलता, डिसऑर्डर्स में कौन क्या व्यवहार करता है पता नहीं चलता, हम खाना खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं पता नहीं चलता। वैसा ही हम प्रलाप सुनते हैं, भैया अफजल शहीद है कि हनुमंतप्पा शहीद है, इसमें भी कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसे ही कहता है कि अरे पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कि 20% पॉपुलेशन क्या होती है, दिखा देंगे, होने तो कोई बात नहीं। ये प्रलाप है, ऐसे ही प्रलाप है। अरे कौन तुमको पूछता है यार, तुम्हारे गर्दन क्या, सिर क्या, 1 किलोमीटर तक भी तुम्हारे इर्द गिर्द छुरी नहीं रखेंगे, तुम बोलो नहीं बोलो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक पागल नहीं बोलेगा तो क्या उससे क्या घट जाएगा। इन बातों में रखा पड़ा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये प्रलाप विक्षिप्तता का प्रमाण होता है। और ये सामाजिक
विघटन के लिए चाहते न चाहते, जानते नहीं जानते फैक्टर बनने का खतरा रहता है। हमारी चिंता उसके कारण है, क्योंकि तो समाज एकजुट रहे, विक्षिप्तता ही है ना। देखिए, अगर हम अपने दादा को गाली देने शुरू कर दें, मतलब हमारा कुछ गड़बड़ है। ये भूल जाते हैं यार, हम दादा को गाली दे रहे हैं, हमारा पोता भी तो हमको गाली देगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। अभी विक्षिप्तता नहीं है तो क्या है? जो में हुआ था बामियान में, जो मूर्तियां लगी थी वो सब तो बामियान के पास जो तोड़ने गए थे उन तालिबान लोगों के पूर्वज ही तो थे, लेकिन मालूम नहीं उनको पूर्वज हैं हमारे। स्मृति भ्रंश, स्मृति लोप। तो हम राष्ट्र के, भारत माता के सपूत होने के कारण भावनिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से हम इसे मां मानने के कारण हम समाज की इस विघटन के खतरे के प्रति सशंकित हैं, भयभीत नहीं हैं। ऐसा भी क्यों होना, महाभारत होने की जरूरत क्यों पड़े? घबरा नहीं रहे, लेकिन अनपेक्षित है, अवांछित है, बिना उसके चल सकता है। इसलिए ये जो एक विषय हुआ, तो सरहद की सुरक्षा, समाज का संगठन और संस्कृति के अनुकूल जीवन, ये आज की हमारी आवश्यकता है ऐसा हमें लगता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं तो हैं। जैसे भारत माता की बात आई, मुझे याद है आज से 25 साल पहले राजस्थान के पंचायत चुनाव में हमारे कुछ साथी गए थे और वहाँ गए गांव में प्रचार के लिए जनसंघ वालों के पक्ष में। उस समय जनसंघ बीजेपी बना ही था। तब फिर उस गांव वाले ने कहा, हम आपको वोट नहीं देंगे। कहा क्यों? क्योंकि आप वंदे मातरम पार्टी के हैं। अरे वंदे मातरम पार्टी से क्या होता है? हाँ होता है। कहा क्या? आप बोलते हैं शस्य श्यामला मातरम। हाँ तो क्या गलत है? अरे भैया, फसल तो आपके खलिहान में जाती है, आपके लिए शस्य श्यामला होगी। हम तो भूमिहीन मजदूर जमीन पर कमर तोड़ मेहनत करते हैं, बदले में हमको हिस्सा भी नहीं मिलता है, तो हम इसको शस्य श्यामला कैसे कहेंगे? आप कहते हैं तम मी दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, तो मंदिर की कल्पना आती है। हमको तो डर लगता है कि मंदिर में हम जाएंगे तो हमको जूते पड़ेंगे बाद में। इसलिए हमारे लिए मंदिर की कल्पना भय उत्पन्न करती है, आपके मन में मंदिर की कल्पना भक्ति उत्पन्न करती होगी। ये कहा, तो इसको कहते हैं नोशंस, परसेप्शंस। इसमें से एकात्म समाज होना, बनना, यह चुनौती है। अखंडता के साथ साथ सामाजिक एकात्मता, जिसके कारण शत्रु मित्र विवेक एक रहे, यह एक चुनौती हम आज देखते हैं। और यह सब ऐसे ही गरीब अमीर, जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय, जब राष्ट्र की जीवनी शक्ति अच्छी होती है तो यही विविधता के कारक तत्व होते हैं। तो एक बगीचे की अलग अलग सुगंध के पुष्पों का मिलाकर बगीचा दिखता है। हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, फ्लोरा एंड फाउना उसके अनुसार होंगी। जो हिमालय में वनस्पति और आयुर्वेदिक वनस्पति होगी, विंध्य के अमरकंटक में कुछ और होगा, मलय पर्वत में कुछ और होगा, सह्याद्री में कुछ और होगा, महेंद्र पर्वत में कुछ और होगा। तो ये अलग अलग जो है तद अनुसार सामाजिक जीवन की रचना हुई है भारत की। इसलिए भाषा भी अलग अलग प्रकार की, 5 कोस कर पर बदले बानी, 10 कोस पर बदले बानी, भाषा में भी।
अभी हमको कल बताया कि 37 नस्लें हैं गाय की जो अभी संरक्षित पाई गई है, उसका भी मैपिंग किया है। 127 इको एग्रो जोन्स में गायों की भी जब आप मैपिंग करेंगे तब समझ में आएगा वहाँ वहाँ के एग्रो या फिजिकल ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण वहाँ की गाय ऐसी बनी है कि खिलार गाय है वो घोड़े के समान दौड़ती है। सूखी जलवायु में नागौर, गिर, कांकरे, साहिवाल ये ज़्यादा दूध देने वाली बनती है। जमीन अच्छी है तो बैल उतने मजबूत नहीं होंगे, जमीन कड़ी है बैल मजबूत होंगे, दूध कम होगा। ये सब प्रकृति की रचना है। इसके कारण यहां के एक स्वभाव में ही बहुत सी बातें इनग्रेन हुई जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व से चार पांच बातें हम अभिप्रेत करते हैं। एक, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदें जैसे अंततः समुद्र में मिलती है, वैसे ही किसी भी विधि से की गई पूजा परमात्मा के लिए अंत में एक ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त होती है। ये हमारी अखंड श्रद्धा है। रिलीजन इज द मोड ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द मेकर। इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसके परे लड़ाई है कि हम कन्याकुमारी की तरफ घूमते हुए गए थे, कोई तलई आदिक्षित वहां से ट्रिवेंड्रम जा रहे थे तो नजरत स्ट्रीट भारत में क्यों? ऐसे ही सभी चीजों के नाम परिवर्तन क्यों जरूरी था? पुराने गांव का नाम बदल गया जो बेथलम, यहां क्यों बेथलम? पूजा करना भगवान जी के बारे में सोचना तो अलग बात हुई। भारतीय मानस भी संस्कृति का पक्षधर है, ही संस्कृति का पक्षधर नहीं है। हमने सीखा है कि हर विधि से पूजा परमात्मा को प्राप्त होगी, लेकिन एक ही विधि से पूजा से परमात्मा को प्राप्त होगी ये हम नहीं मानते हैं। आप मानते हैं तो वो भी गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ये हमारी भी फ्रीडम है, क्योंकि पर्वत पर जाना है, पूर्व की तरफ जो खड़ा है चढ़ने के लिए उसको पश्चिम की तरफ जाने से ही पर्वत की ऊंचाई मिलेगी, और जो पश्चिम में खड़ा है उसको पूरब की ओर जाने से ही मिलेगी, वो भी तुम्हारी तरफ पश्चिम की ओर चलो चलो कहेंगे तो बेचारे दुनिया भर घूम के आना पड़ेगा। इम्प्रैक्टिकल। हरेक के कफ वात पित्त शरीर की प्रकृति, हरेक के सत्व रज तम का सम्मिश्रण, ये मिलाकर उसके आध्यात्मिक पथ का निर्धारण करता है। इसलिए हरेक के अपने अपनी देवी होंगी, देवता होंगे। इसलिए हम में से हरेक भी देखेंगे सबका इष्ट देव एक कहाँ है। किसी की गणेश जी हैं, किसी की दुर्गा जी हैं, किसी की शिव जी हैं, किसी की राम जी हैं, किसी की कृष्ण जी हैं, किसी की हनुमान जी हैं, हैं हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अरे ऐसा कैसे होगा, आपके यहाँ सीता जी की भी मूर्ति रखी, राम जी की मूर्ति रखी है? होगा भाई। अरे दुर्गा जी की भी रखी है? हाँ रखा। अरे साईं बाबा की? हाँ वो भी रखा है। और भी कहीं से गए थे, नर्मदा जी का पत्थर उठा लाए थे तो नर्मदेश्वर करके उसको रख लिया हमने पूजा घर में। उधर गए थे बद्रीनाथ, वहां से भी एक पत्थर उठा लाए थे, वो भी रख लिया। भाव से भगवान मिलते हैं, ऐसी आस्था है अपनी। हिंदुत्व यानी ये, हिंदुत्व का अर्थ है एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा है। जो गाय को खिलाते हो वही आदमी को भी खिलाओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हाथी को जो खिलाते हो वही चूहे को भी खिलाओ, गड़बड़ होगी। पात्रानुसार, लेकिन समदर्शी होना, चूहे की खुराक चूहे को, हाथी की खुराक हाथी को, यह समदर्शी हुआ।
इस हिसाब से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, लेकिन सबका आधार धर्म, सबका आधार त्याग अपरिग्रह यानी हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब हम सब उसी परमेष्ठ के अंग हैं, इसलिए सभी का अस्तित्व का अधिकार है। इसलिए पशु हो तो, पेड़ हो तो, पत्थर हो तो, पहाड़ हो तो, पड़ोसी हो तो, परिवार का हो तो, प्रकृति का कोई भी अंश हो, उन सब को जीवन जीने का पूरा और समान हक है मनुष्यों के बराबर। इसलिए प्रकृति विध्वंसक विकास हिंदुत्व के अनुकूल नहीं है। प्रकृति के अनुकूल जीवन, यही सार्थक जीवन है। हिंदुत्व का तकाजा ये है। हिंदुत्व का तकाजा है कि गलत तरीके से अमीर बनना ठीक नहीं है, क्योंकि खाओ पियो और मौज करो और मर जाओ, यही जिंदगी का मकसद नहीं है। इसके परे कुछ विशाल बड़ा लक्ष्य है। वो जब बड़ा लक्ष्य प्रेरणा देता है, तब आदमी दधीची बनता है, तब आदमी राजा दिलीप बनता है, तब आदमी राजा रंतिदेव बनता है, तब राजा शिवी बनता है। कबूतर की भी प्राण रक्षा के लिए अपने को वो कमिटेड मानता है, और बाज को भी खाना खिलाना अपना फर्ज मानता है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में ये जीवन मूल्य, जीवन आदर्श, जीवन लक्ष्य यानी संस्कृति के अधिष्ठान पर समृद्धि की साधना भारत ने की है, ये हिंदुत्व है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो किसी एक भगवान जी को अच्छी लगेगी, किसी एक भगवान जी को अच्छी नहीं लगेगी? लेकिन ही संस्कृति का कहना रहता है, नहीं मेरा ही भगवान भगवान, तुम्हारा भगवान शैतान, मेरी ही किताब किताब, तुम्हारी किताब कूड़ा, मेरे ही पैगंबर पैगंबर, तुम्हारे पास कुछ नहीं, आइदर माई वे और नो वे, नहीं तुमको हमारे रास्ते चलना चाहिए क्योंकि हमारा रास्ता ठीक है, तुम्हारा फालतू है। अरे भैया तो ट्राई करने वाले तुम कौन? नहीं मैं ही हूं, इसलिए तुम चलो हमारे रास्ते, नहीं चलोगे तो हमको जबरदस्ती ले जाना, हमारा फर्ज है, और नहीं चलोगे तो मार देना है, वो भी हमारा फर्ज है। ये है ही संस्कृति। इसलिए ही संस्कृति मानवता और प्रकृति के लिए ही अनिष्टकारी सिद्ध हुई, और पूरी दुनिया दो दो विश्व युद्धों में से होकर गुजरी, आज पूरी दुनिया में एक अशांति देख रहे हैं। और वो जो नेशन स्टेट्स की बात आपने कही थी, वो नेशन स्टेट्स की बच्चा कल्पना, शैशव में ही उस जगह तबियत तबियत खराब हो गया उस कल्पना का। इसलिए नेशन स्टेट्स कहां के कहां उड़ रहे हैं पता नहीं, आज सीरिया में कहाँ नेशन स्टेट बच गया पता नहीं, आईएस कहाँ तक पहुंचा, कल दूसरी जगह था, आज दूसरी। अरे भूगोल रीड्रॉ होने लगा भैया, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप वो था नहीं। अब सारा यूरोपियन यूनियन एक है कि अलग है, कौन जाने किसका कौन सा अंग कब एक हो जाता है, कब बाहर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सब बच्चा है भाई। 500 साल पहले क्या थे ये लोग? आपस में लड़ाई कुटाई मार कुटाई करने वाले लोग थे। अरे इंग्लैंड कहां से हुआ भैया? उनके यहां बहुत तरह से नॉर्मन्स आ गए, नॉर्डिक्स आ गए, स्कैंडिनेवियंस आ गए, रोमन्स आ गए, लड़ाई झगड़ा मार पीट, उसी में फिर सीडिंग करना अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, इसलिए वहां की महिलाओं को ले लेना, उससे अपने बच्चे रेस पैदा करना, उसमें से रेसिज्म आना, उसमें से एथनिक नेशनलिज्म आना, फिर और आगे बढ़ना, उसमें से नेशन स्टेट आना, फिर लैंड लॉक्ड कंट्री जर्मनी, उसको एक्सपेंड करने की इच्छा, ऑस्ट्रिया को कब्जा करना, लड़ाई हो जाना, पूरी दुनिया उसे मार काटे मच जाना। वही चीज तो हुई है। अरे भैया 400 साल लड़े हैं ईसाइयत और इस्लाम के सारे धुरंधर लोग जिहाद और क्रुसेड के नाम पर, मार काट के अलावा कुछ नहीं। आज भी स्पेन के लोग इस्लाम से इतनी नाराज रहते हैं जिसना दुनिया में कोई नहीं रहता होगा, क्योंकि ही संस्कृतियां हैं, एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग से ग्रस्त संस्कृतियां हैं। उसमें वो बराबरी पर ले नहीं सकते, या तो अधीन रहेंगे या अधीन करेंगे, इतना ही उनको मालूम है। सहजीवन उनके लिए एलियन चीज है। इसलिए मित्रों, जब हम इतना सोचते हैं
और तब अपना एक काम जरूर बनता है कि ये जो अभावात्मक विकृति मैंने कही, जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय की चेतना बढ़ जाना, राष्ट्र भाव थोड़ा ढीला पड़ना, ये अभावात्मक विकृति है। जैसे अंधेरा, अब अंधेरे अंधेरे दूर हटो चाहे जो मजबूरी हो, अंधेरा थोड़ी दूर हटेगा। या तलवार से लेकर मारना, अंधेरा कहाँ दूर हटेगा? अंधेरा तो दूर हटेगा जब प्रकाश का एक छोटा टुकड़ा वहाँ लाकर रख देंगे, अंधेरा स्वयं दूर हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे का स्वयं में अस्तित्व नहीं है। वैसे ही आपको एक कथा मालूम होगी शायद, कि लड़ाई हो चुकी थी, पांडव सब थे और गए, सात्यकी भी साथ में थे, और एक जंगल में ऐसे ही पिकनिक में गए, रात हो गई, लौटें कैसे? तो तय किया कि भैया सो जाएं सब लोग, लेकिन पहरेदारी भी कोई करे। कृष्ण थे, अर्जुन थे, सात्यकी थे, भीम थे। तो पहला, अरे भाई पहला राउंड चलो सात्यकी तुम रह लो, उसके बाद रात होगी, तो देर रात में अरे भाई भीम तुम रह लेना, और सुनो बाकी और रात होगी और सब खत्म होता रहेगा रात, तो कृष्ण तुम रह लेना। हाँ ठीक है। तो जैसे ही बाकी लोग सो गए, थक तो गए ही थे, तो सात्यकी रहे, तो थोड़ी देर में उसी पेड़ के ऊपर से एक ब्रह्म राक्षस कूदा और कहा कि देखो तुम चले जाओ सात्यकी, क्यों हम तीनों को खाएंगे, अब तुमको छोड़ देंगे, तुम भाग जाओ। अरे नहीं भाई ऐसा कैसे होगा? कहा ठीक है नहीं भागोगे तो कुश्ती लड़ना पड़ेगा। कुश्ती लड़ा, कुश्ती लड़ते लड़ते थक सा गया, लेकिन तब तक संयोग ऐसा, भाग्य अच्छा सात्यकी का, उसका समय पूरा हो गया था, उसने एक लात लगा दिया भीम को, भीम उठ गया, ब्रह्म राक्षस गायब हो गया था। सात्यकी हाँफ रहा था बेचारा, कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थक गए, बोर हो रहे थे ना इसलिए थोड़ा कसरत कर रहे थे। सात्यकी सो गया, अब भीम आ गया, भीम जब आया तो फिर वो आ गया ब्रह्म राक्षस, अब फिर वही कथा, वो भी थक गया, उसके बाद मुझसे लात मारी, कृष्ण जग गए, अब कृष्ण आए, फिर वो ब्रह्म राक्षस कूदा, कहा कि भाग जाओ, कहा नहीं नहीं हम तो नहीं भागेंगे, हाँ लड़ो तो पर, अरे यार लड़ लेंगे, पर तुम अपना परिचय तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कभी प्रचारक निकले थे क्या? कहा कि नहीं नहीं तो नहीं नहीं तो चलो ना थोड़ा घूमेंगे, पिछलेंगे, बात करेंगे, लड़ाई करेंगे ना, कौन ऐसी जल्दी है। फिर साथ चलते गए, कंधे पर हाथ रखा तो वो जो बड़ा था वो बराबर का हो गया। फिर और टहलते गए, कंधे पर हाथ रखे रखे टहले, और छोटा और छोटा और छोटा हो गया, अंत में इतना छोटा हो गया एक अंगूठे का रह गया। तो अपने उत्तरीय का एक कोना में उसको रखा, बांधा कंधे पर, तब तक समय पूरा हो गया, सूर्योदय होने लगा, लोग उठ गए, और जैसे ही उठा तो भीम कहता है बाप रे बड़ा मजबूत था, पूरी शरीर दर्द हो रहा था। तो सात्यकी कहता है अरे तुमको भी मिला था क्या? तो दोनों ने पूछा कृष्ण से क्या तुमको भी मिला था? कहा कौन? कहा ब्रह्म राक्षस। कहाँ मिला तो था? तो तुरंत घबरा कर देखने लगे दोनों, कहाँ है भाई वो, कहाँ है वो? है तो और डर गए, कहाँ है? तो उन्होंने उत्तरीय से खोला गांठ, हथेली पर रखा, कहा यही तो है ना? हाँ यही तो है। कैसे हो गया? तो कहा कि ये अभावात्मक विकृति है, इससे तुम जितना प्रहार करोगे लड़ोगे उतना ये बड़ा बनता जाएगा, और जितना इससे दूसरी तरह से टैकल करोगे प्रेम से वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो क्रोध पर ही पलने वाला विकार है, स्वयं में अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के अभाव का नाम है अंधकार, अंधकार का स्वयं में अस्तित्व नहीं है कुछ। इसलिए ये सबसे बड़ी आज की चुनौती है भारत के समक्ष, भारत के सोचने विचारने वाले और नौजवानों के समक्ष, वे सामाजिक एकात्मता की साधना को कैसे पक्का पूरा करें। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा अपने ही आर्ष ग्रंथों में से, दुर्गा सप्तशती आपने जरूर पढ़ा होगा कभी, नहीं तो पढ़िएगा, रक्तबीज का प्रसंग है उसमें, रक्तबीज का, दुर्गा और काली
दोनों का उल्लेख है। दुर्गा जी लड़ती हैं, रक्तबीज की विशेषता है, रक्त का जहाँ भी एक बूंद भी गिरेगा नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। आज भी आप जाएंगे कभी उत्तराखंड में तो वहाँ पर एक काली मठ है, वहाँ एक काली नदी है, उस काली नदी के रिवर बेड में लाल लाल छींटे आज भी आप पाएंगे, वहाँ एक काली शिला है और वहाँ पर ही देवी अवतरित हुई थी, और उस घाटी है पहाड़ी से घिरी हुई, 64 योगिनियों ने मिलकर रक्तबीज को मारने का सारा पराक्रम वहीं किया था और घेर कर रखी थी कि बाहर न जा पाए रक्तबीज, लेकिन भरता गया था वो। तब दुर्गा ने काली का आवाहन किया था तो दुर्गा मारती थी, काली उसके रक्त को जमीन पर नहीं गिरने देते हुए अपने जीभ पर ले लेती थी, तो नए रक्तबीज नहीं बन पाते थे, पुराने रक्तबीज खत्म होते जाते थे। इसी प्रकार राजसत्ता का धर्म है दुर्गा का, समाज सत्ता धर्म सत्ता का धर्म है काली का। एकात्म संपन्न समतायुक्त समाज, यही पूर्व शर्त है हिंदू राष्ट्र की, ये प्री कंडीशन है। जैसे विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, उसकी पूर्व शर्त है विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। रावण से लड़ाई हो लेकिन राम रामत्व नहीं छोड़ते, वो पति रावण नहीं बनते। तो ये जो आज के संपूर्ण स्थितियों को हम जब देखते हैं तो हम आगे चलकर देखेंगे तो ये जो देशभक्ति है ये केवल भावना नहीं है, ये केवल नारा नहीं है, ये केवल अभियान नहीं है, ये केवल प्रचार नहीं है, यह केवल राजनीति नहीं है, यह केवल सत्ता प्राप्ति का उपकरण भर नहीं है, यह जीवन जीने का विज्ञान और कला है, यह एक जीवन व्यवहार है। इसलिए देशभक्ति हम अगर सोचते हैं और उस भारत माता के सपूत हम अपने को देखते मानते हैं, चाहते भी हैं कि हमको वैसी ही हमारी पहचान बने, वैसे ही पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते की बात हम सोचते हैं, तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम कहकर हम आशीर्वाद मांगते हैं, तो व्यवहार का तकाजा 5-6। एक, जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का भेदभाव न पालते हुए एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति की साधना करें रोटी रिहाइश और रिश्तों में। दो, हम अगर मातृभूमि भारत भूमि इसके बारे में संवेदनशीलता के साथ सोचते हैं तो यहाँ का मांस दुनिया के दूसरे लोग क्यों खाएं? हम गोमांस निर्यात क्यों करें कि वो खाएं? चमड़ा हम क्यों भेजें कि वो यहाँ की चप्पल वहाँ पहने? छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें। जीवन जीने की अगर बात है तो चाहत से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और मजबूरी घटती चले। इसके लिए धर्मसत्ता समाजसत्ता राजसत्ता अर्थसत्ता चारों को भूमिका निभानी पड़ेगी। कई काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे अरे यार हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं PIL में फेसबुक गूगल सबको पकड़कर भारत के कानून के प्रति नाक रगड़वाने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो तो लेकिन सरकार को कानून बनाना पड़ेगा ना यार, हमको तो नहीं केवल चलेगा। लेदर एक्सपोर्ट बंद कराना पड़ेगा, मांस निर्यात बंद कराना पड़ेगा, तो सरकार को करना पड़ेगा ना। हम केवल जाकर बंदरगाह में खड़े हो जाएं 10 दिन उससे तो काम चलेगा नहीं, वो भी करना है, वो भी करना पड़ेगा। अब चीन में स्वयं का उनका इंटरनेट है, चीन में उनका फेसबुक ट्विटर है अपना, उनका अपना गूगल सर्च है जो उन्होंने खड़ा किया है,
मंदारिन भाषा में है, जापान में ये सब है, तीन जापानी स्क्रिप्ट्स में है वो सब बातें। हम भी तो सन 70 से इसमें लगे हैं, हम मजदूरी करते हैं उनकी, पश्चिमी देशों की, सिलिकॉन वैली अपने को कहते हैं। हमारी बुद्धि से हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्यों नहीं, सर्वर यहाँ क्यों नहीं, विंडो यहाँ क्यों नहीं, फॉन्ट्स हम अपने क्यों नहीं डेवलप कर सकते? ये हुआ चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी। तीसरा, अपने ठीक बगल के दुख दर्द में हिस्सा लेना। चौथा, गलत तरीके से अमीर बनने के लालच पर लगाम लगाना। पांचवा, जो भी हम काम करें उसमें परफेक्शन की कोशिश करना। दूसरे हमको टोके ना, उल्टा ये सोचें ये इसने किया है तो ये तो ठीक ही किया होगा। ये क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होना पूरे दुनिया में, ऐसा वर्क कल्चर अपना बनना, ये सब बातें लगती हैं। और ये सब बातें करने के लिए हमारी भारत माता, हमारी भारतीय जीवन प्रवाह बहुत ताकतवर है। मित्रों, हम तो ये मानते हैं कि भाव के नाते भी हम अपने आराध्य देव के साथ प्रार्थना करें, अपनी ही माँ से, घर की माता, गौ माता, भारत माता, कि हमको वो ताकत दे। मित्रों, ये जितनी चैलेंजेस हलचलें सब दिखती है ना, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बड़े टाइम स्केल में ये सब इररिलेवेंट हो जाती है। हम सस्टेन रहें, सस्टेन्ड करें भी काम को। ऐसी स्थिति है, बात मैं पूरी कर रहा हूँ। एक पेड़ था, खड़ा था, बहुत वर्षों से था, और वर्षा काल आया तो सितंबर में उस पेड़ की जड़ के पास एक लता उगी। अब लता जब उगी तो तेजी से बढ़ती है, तो तुरंत पेड़ के इर्द गिर्द ऐसा ऐसा करते हुए बढ़ गई। पेड़ खड़ा था, वैसे ही बढ़ते बढ़ते एक नवंबर होते होते दो महीने में पेड़ से भी ऊंची हो गई, एक बित्ता ऊंचा चढ़ गई और फिर नीचे देखती है। फिर उसने पेड़ को कहा, ए पेड़, कैसे मूर्ख नालायक हो, चुपचाप खड़े हो, हम देखो कितना जल्दी बढ़ गए। अरे तुम कुछ इंच तो बढ़ते हैं, वैसे ही खड़े रह गए। अरे बोलो क्यों नहीं बढ़ पाए? चुप रहा पेड़। फिर लता ने कहा, हे मुंह में जुबान नहीं दी है क्या भगवान ने, बोलते क्यों नहीं हो? तब पेड़ ने कहा, आप क्या बताएं तुमको, हम तो 250 साल से यहां खड़े हैं, तुम 126वीं बेल लता हो, इसके पहले 125 बार हम ऐसे ही सुन चुके हैं कि सितंबर में वो उगती है बेल, लपेट करके बड़ी ऊंची चढ़ती है और फरवरी तक वो हल्ला मचाती है, अप्रैल महीने में देखते हैं तो पता नहीं कहां चली जाती है। तो दुनिया के बाकी के जितने प्रपंच प्रवाह हैं, जीवन प्रवाह नहीं है वो, उन प्रपंच प्रवाहों के सामने माँ भी ही, विवेकानंद ने सीखा था उपनिषद से ही, कि जब बंदर बहुत दौड़ा रहे थे उनको दुर्गा कुंड के मंदिर के प्रांगण में, तो भागे वो, एक क्षण के बाद रुके, मुड़े और जोर से कहा तो बंदर भागे। वैसे ही हम अपनी सात्विक साधना, लेकिन सात्विक साधना के साथ साहस और शौर्य, शौर्य का परित्याग भारतीय समाज ने किया होगा, लेकिन भारतीय समाज के लोगों को जब जब मौका लगा, मित्रों सबसे ज्यादा शौर्य का प्रदर्शन भारतीय सैनिकों ने किया। प्रथम विश्व युद्ध हो तो, द्वितीय विश्व युद्ध हो तो, लड़े भले ही अंग्रेजों के लिए, सबसे ज्यादा विक्टोरिया क्रॉस 42 में से 39 भारतीयों को, सैनिकों को मिला था। शौर्य में कमी नहीं है, बलिदान में कमी नहीं है। अब के जमाने में सात्विकता के साथ शौर्य की भी साधना आवश्यक है। भारत माता इस दिशा में हम सबको प्रेरणा,
शक्ति और संबल दे और हम उसके सपूत के नाते जीवन जी सकें, जीवन का अंत कर सकें। यही प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।